India banned TikTok in 2020. In March 21st, Forbes article revealed how troves of personal data of Indian citizens who once used TikTok remain widely accessible to employees at the company and its Beijing-based parent ByteDance. आज अमेरिकी क्या कह रहे हैं? अमेरिकी कह रहे हैं क्योंकि इंडिया ने बैन किया था और हम समझते हैं इसको भी बैन किया जाना चाहिए. लेकिन obviously अमेरिका की अपनी reasons हैं. Can easily look up the closest contacts and other sensitive information about any user. This current TikTok employee also said, quote, if you want to start a movement, if you want to divide people, if you want to do any of the operation to influence the public on the app, you can just use that information to target those groups. ये जो House of Representative है, उसने कल वोट दे दिया कि उन्होंने कहा जी कि TikTok जो कि Chinese owner है उसका, उनको चार साल पहले ही TikTok बैन करती थी. अब अमेरिका में भी उनके हाउस में ये बिल फॉरवर्ड किया गया है कि भाई जो हमारी प्राइवेसी ब्रीच है और उसके बाद वो नेशनल सिक्योरिटी का भी एक Your own community guidelines state that you have a firm stance against enabling violence on or off TikTok. We do not allow people to use our platform to threaten or incite violence. India yaar leading nation bana hai. India jis tarah se abhi India ne 2-3 din pehle agni missile launch kiya. Ab dekhiye usne duniya ke upar kaisi ek chhap chhodi hai ki yaar India self made cheeze bana raha hai. Wo maine unka padha tha ki wo 100 saal ki planning kar rahe hain. Acha aap 10 saal ki baat kar rahe hain. Wo keh rahe hain ki humne aainda 100 saal mein dekhna hai ki China kahan hai, humne usko takkar deni hai. इंडिया वाले वो इंडिया MRI भी ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है जो बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है. अब इंडिया ने वो मिसाइल बनाया तो डेफिनेटली सारी उसकी मांग भी करेंगे. मतलब क्या कि इंडिया को फॉलो करेंगे. लेकिन इंडिया ने उस वक्त बड़ी बोल्ड मूव ली. चार साल पहले नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने उन्होंने कहा कि ये चाइनीज ऐप को बंद किया जाए. यार इंडिया तो बेसिकली अब तो एक कह लो कि हब बन चुका हुआ है IT वालों के लिए. वो सोशल मीडिया भी उसमें आता है. मैं अभी कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि Amazon, ट्विटर, एप्पल, टेस्ला, ऑलमोस्ट माइक्रोसॉफ्ट हर एक कंपनी वहाँ पे अपना हेड ऑफिस बना चुकी हुई. और अमेरिकन स्पाई चीफ्स ये कह रहे हैं कि चाइना जो है वो टिकटॉक को इस्तेमाल कर रहा है टू अंडरमाइन दी डेमोक्रेसी. इंडिया अपनी टीचिंग में AI लेके आ रहा है, ठीक है, उसमें अब कंट्रीज उनको फॉलो करेंगे. टीचर भी आ गई है जी. मैं वही न्यूज देख रहा था. इसके बाद फार्मिंग में वो AI वेदर लेके आ गए हैं तो कंट्रीज उसको भी फॉलो करेंगे. मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा. आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं. आज अमरीकी क्या कह रहे हैं? अमरीकी कह रहे हैं क्योंकि इंडिया ने बैन किया था और हम समझते हैं इसको भी बैन किया जाना चाहिए. लेकिन ऑब्वियसली अमरीका की अपनी रीजंस हैं. लेकिन इंडिया ने उस वक्त बड़ी बोल्ड मूव ली. चार साल पहले नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने उन्होंने कहा कि ये चाइनीज ऐप को बंद किया जाए. और जैसे मैंने पहले कहा कि 58 अदर चाइनीज ऐप्स थी, ठीक है जी, जिनको बंद किया गया. अब अगर आप इसको देखें कि ये जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसने कल वोट दे दिया कि उन्होंने कहा जी कि टिकटॉक जो कि चाइनीज ओनर है उसका और एक बड़ी इम्पॉर्टेंट एक ये ऐप है, इसका नेशन वाइड बैन होना चाहिए. और अमेरिकन स्पाई चीफ्स ये कह रहे हैं कि चाइना जो है वो टिकटॉक को इस्तेमाल कर रहा है टू अंडरमाइन दी डेमोक्रेसी. दैट्स हाउ व्हाट दे आर पोर्ट्रेइंग इट. अच्छा, अगर आप देखें बेसिकली एक ByteDance एक कंपनी है, ये चाइनीज इंटरनेट टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है. और ये जो ByteDance है इसने बेसिकली ये वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक और कुछ और ऐप्स भी उन्होंने की थी. ये कहते हैं जी कि हमारा काम जो है वो इन्फॉर्म करना है, एजुकेट करना है, एंटरटेन करना है और इस तरह की चीज़ें क्रॉस डिफरेंट लैंग्वेजेस, पूरी दुनिया में इसमें कंटेंट क्रिएट होता है और इस तरह की बातें ये करते हैं. लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि अब अमरीका को कौन समझाए और कौन करे. अमेरिका के अंदर आप देखें ये दूसरी दफ़ा है पिछले चार सालों में कि जो चाइनीज़ ये ऐप है टिकटॉक, इसको ऊपर लॉ मेकर जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं. अब अमेरिका के ऊपर ये भी प्रेशर है कि तकरीबन मोर देन 170 मिलियन अमेरिकन यूजर्स आर यूजिंग इट. सो इफ दिस इज़ अ पॉपुलर ऐप बट एट द सेम टाइम इट इज़ ओन्ड बाय चाइना, हाउ टू कीप इट और नॉट, ठीक है जी.
अब ये हुआ था कि 2020 के अंदर अमेरिकी सदर हमारी प्राइवेसी ब्रीच और फिर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर सवाल आते हैं, इसलिए हम इसे बैन कर रहे हैं। और वही चीज अमेरिका कॉपी कर रहा है, और बकायदा उन्होंने अपने हाउस में ये चीज प्रॉपर उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई जैसे इंडिया ने अपने नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए टिकटॉक बैन किया, हमें भी बैन करनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ पे यूट्यूब बैन होती है, फेसबुक को बैन करने की बात की जाती है, ट्विटर ऑलरेडी बैन है, वीपीएन लगा के लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन टिकटॉक के ऊपर बात नहीं हो रही। यार मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीज बैन करनी चाहिए, क्योंकि हमें अपने जो है ना जितने हमारे यहाँ पे जैसे कहले इदारे बने हुए हैं, ठीक है, वो इन चीज को देख रहे हैं, वो सिक्योरिटी मैयर्स को इस तरह का कर दे कि आप इसमें कोई भी ऐसा मवाद ना शेयर कर सके तो जो हमारे मुल्क के खिलाफ बनता हो या हमारी प्राइवेसी को हिट कर रहा हो या हमारे कोई भी ऐसी चीज जो हमारे मुल्क के खिलाफ जा रही है। लेकिन हमारे इधर तो वो करते हैं ना जो हमारे मुल्क के खिलाफ नहीं, जो हमारे खिलाफ ना बनता हो तो उसे जो है वो बेसिकली हम लोग तो यहाँ पे वो चीज देख रहे हैं ना कि यार हमने किसी को बोलने नहीं देना, हमारे खिलाफ बात कर रही यार ये नहीं जानी चाहिए। हालांकि आजादी तो इसी चीज की है ना, आप हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम हर तरह की बात कर सकते हैं। अगर हम किसी एक बंदे को जैसे पॉलिटिकल आप देखें तो ट्विटर बंद किया हुआ, किस वजह से बंद किया ये हम लोगों को सबको पता है क्यों बंद है, लेकिन ये चीजें नहीं है। हम बेसिकली हम एजुकेट भी करें ना आवाम को कि यार ऐसे नहीं ऐसे करना है, हम अपने इदारों को भी बताएं यार इस तरह का मवाद हो जो हमने आगे नहीं जाने देना, लेकिन हम उसका हल ये निकालते हैं कि हम उस पूरी चीज को बंद कर बंद ही करते हैं। और बड़ी बात ये मवाद की जो मटेरियल है सोशल मीडिया पे आता है वो तो एक अलग टॉपिक है। मैं कहता हूँ अगर लेट्स सपोज कोई ऐसी ऐप, दूसरे कंट्री की ऐप हो, खासतौर पर अगर टिकटॉक की बात करते हैं जिसके बारे से खबर ही आती है कि भाई वो चाइना की ऐप है, और चाइना उसके जरिए जो खबरें आती है कि भाई जिस भी कंट्री से अपना डाटा कवर करना चाहे, डाटा निकालना चाहे, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से वो सारा निकाल सकता है, तो आपको नहीं लगता है ऐसी ऐप्स के ऊपर सवाल उठना बनता है? यार बनता तो है, लेकिन बात ये है कि सिर्फ चाइना का क्यों है? हाँ। ट्विटर हो या यूट्यूब हो या हमारा फेसबुक है, बेसिकली जब हम अपना आईडी किसी चीज में भी बनाते हैं तो अपना सारा डेटा तो देते हैं। अब हम किसी तरीके से भी वो हमें क्या पता फेसबुक भी हमारा यूज करता है। बॉर्डर जो है उसको साइन किया था जिसमें जो बाइडेंस के ओनर थे, ठीक है जी, उनको कहा गया कि ये जो इसके ऐप को जो है वो 90 दिन के अंदर बेच दें, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, लीगल इश्यूज आना शुरू हो गए। अब लॉ मेकर जो हैं अमेरिका के अंदर वो टिक, अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था कुछ कांग्रेस की हेयरिंग्स हो रही थी, तो वो जो उसका नाम क्या है जो टिकटॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाइडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है अमेरिका के अंदर, आई थिंक शॉन के क्या नाम है उस लड़के का, ही इज़ फ्रॉम सिंगापुर, तो वहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन पैदा हो गई जिसमें बहुत सारे लोग कंटेंट बना रहे थे कि अमेरिकन कांग्रेसमैन उसको पूछ रहे हैं तुम्हारा ताल्लुक चाइना से है, वो कहता है नहीं मैं सिंगापुर से हूँ, तुम्हारे पास चाइनीज़ पासपोर्ट है, वो कहते हैं नहीं मेरे पास है ही सिंगापुर का पासपोर्ट, आई एम सिंगापुर सिटीजन। तो उसने कहा कि क्या तुमने कभी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है या चाइनीज़ आर्मी में काम किया है, तो वो एक ही कह रहा है जी मैं हूँ ही नहीं सिटीज़न, मुझे तो उन्होंने किया हुआ। सो बड़ा इंटरेस्टिंग एक वो इवन के मजाक की हद तक भी चीज़ें जो हैं वो चली गई और ये बात हुई। अब ये आता है कि अमेरिकन लॉ मेकर इस पर कह रहे हैं, ठीक है, और जैसे मैंने पहले कहा कि वो इंडिया का रेफरेंस दे रहे हैं कि देखिए जनाब इंडिया ने भी किया था, ठीक है जी। अब ये है कि यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में वोट हुआ है 352-65, मीन्स के